नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव। मेरे साथ सुदेश आर्या जी मौजूद हैं। और जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन की घंटी बज चुकी है, तमाम पार्टियों ने अपने अपने टिकट, अपने अपने कैंडिडेट चूज़ कर लिए हैं। और सुदेश आर्या जी विधानसभा के प्रभारी हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के प्रभारी हैं और जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि क्या BSP कितने कैंडिडेट उतार रही है और किन किन जातियों को टिकट मिल रहा है। सर, जय भीम नमोस्तुते। मैं आपकी आवाज़ 24 को साधुवाद करता हूं कि आप लोग चैनल के माध्यम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुजन समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। और मैं सुदेश कुमार आर्या बहुजन एक्टिविस्ट हूं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं। और तमाम तरह की जो समस्याएँ सामने दिख रही हैं बहुजन समाज की, उनके लिए आवाज़ उठाने का काम भी करने का कोशिश करता हूँ मैं। और अभी जो सिनेरियो है पूरे भारत में, लोकसभा चुनाव सर पर है, सभी दल चाहते हैं कि अपना अपना राजा बने, अपना अपना सत्ता स्थापित हो। भारतीय जनता पार्टी इससे 4.5 साल में जो इन्होंने अत्याचार किया था देश में, लगातार अभी भी उसी पे काम कर रही है। और जो मूल मुद्दे थे सरकार के, उन मुद्दों से भटक के पूरी तरह से देखा जाए तो मनवाद विचारधारा पे सरकार काम। सर, लोकसभा में कितने कैंडिडेट आ रही है इस बार BSP? मैं पूरे भारत की बात करूं तो आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी और जो क्षेत्रीय दल हैं वो तमाम तरह की गठबंधन जो कर रहे हैं देश में, प्रदेश में अलग अलग जातिगत और जो सामाजिक जो गठबंधन है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ में, उनका उद्देश्य यह है कि बहुजन समाज और पूरा जो देश है जो संविधान को मानता है उसके बराबर, उसके हिसाब से सत्ता गठबंधन बनाया जाए और जो संविधान के खिलाफ जो ताकत है BJP और RSS, उसके खिलाफ लोगों को समझाया जाए और वो गठबंधन बने जो देश के हित में काम आए, जो समाज के हित में काम आए। तो देश में हर तरह के जैसे समीकरण बन रहा है भाई बहन जी, वहां पर अपना उम्मीदवार। दिल्ली, मैं दिल्ली की बात करना चाहूंगा सुदेश जी, पूरे देश से नहीं, दिल्ली की बात करना चाहूंगा। 7 लोकसभा सीटें हैं और तो 7 लोकसभा सीटें में क्या सभी सीटों पर कैंडिडेट उतरेंगे BSP के? बिल्कुल उतरेंगे। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में लड़ती है क्योंकि उसका वोटर हर एक गाँव, गली और शहर और राज्य में है, देश के हर एक कोने में बैठा हुआ है। तो दिल्ली तो बहुत बड़ी, हमारे लिए बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे। और इस बार कोशिश यही है कि हम जिता के ले जाएंगे। और जो RSS सीटें हैं, एक ही RSS सीट है बवाना की, नॉर्थ दिल्ली की, उस पर भी हम लोग अपना कैंडिडेट मजबूत उतारेंगे जिससे हमारी सीट लोकसभा में जाए और बहन जी को मजबूत करे। सर, एक सवाल उठता है सुदेश जी ना, जिस तरीके से हम लोग रिजर्व सीट पे ही कैंडिडेट उतारते, क्यों जनरल सीटों पे कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते हैं? नहीं, जनरल सीट हर जगह सीट पे उतारा जाता है जी, रिजर्व पे रिजर्व उतारा जाता है, जनरल पे जनरल उतारा जाता है जी। जातिगत और जो समीकरण है जीतने वाले हर एक राजनीतिक दल के, उस हिसाब से हम लोग भी काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है। पर सर, सर सुदेश जी, अभी एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है दिल्ली के अंदर लोकसभा के इलेक्शन को लेकर। जिस तरीके से अभी तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी ने अपने अपने कैंडिडेट का लिस्ट दे दिया है, लेकिन एक जाति है दिल्ली के अंदर वाल्मीकि जाति, उसको नकारा गया है। तीनों पार्टियों में से किसी ने भी उसको टिकट नहीं दिया है, तो क्या BSP से उम्मीद की जा सकती है? तो BSP बिल्कुल उन चीजों पे खरा उतरेगी और काम कर रही है। अब बहुजन समाज पार्टी किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है, सर्वजन की पार्टी है जी। और रही वाल्मीकि समाज, अपना हमारा अपना समाज है, वाल्मीकि समाज की पार्टी है, तो वाल्मीकि समाज को खुद सोचना पड़ेगा, अपना घर छोड़कर ना जाएं। और जिस तरह से वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बहकाने पर आने पर दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलवाया था, अपना घर साफ करें, ना कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का। तो बहुजन समाज पार्टी उनकी अपना घर है, वो आए कार्यकर्ता बने, पदाधिकारी बने और जो जो बड़े बड़े जिम्मेदारी पद है वो ले आके, हम लोग भी काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। हमारे सुदेश जी, सुदेश जी, अभी हाल ही में मैंने सुना था सुदेश जी कह रहे थे कि मैं मतलब पार्टी ये चाहती है या हम लोग ऐसा चाहते हैं कि दिल्ली में कोई वाल्मीकि CM हो, ऐसा स्टेटमेंट आप क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, मैं तो ये कहूंगा अगर कोई वाल्मीकि चेहरा अगर इस तरह से पूरे प्रदेश में बहन जी की नीतियों पर काम कर रहा है, जो मानवर साहब के जो संघर्ष के साथ खड़ा होना चाहता है, बाबा साहब के विचारों के साथ जो खड़ा होना चाहता है, जो पूरे देश के समाज के साथ खड़ा होना चाहता है, संविधान के साथ खड़ा होना चाहता है, वाल्मीकि समाज का हो, धोबी समाज का हो, किसी भी समाज का हो, अगर वो बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में और देश के आवाम के लिए काम करना चाहता है, बहुजन समाज पार्टी उसको साथ देगी। चाहे वाल्मीकि समाज अपना है, अगर वो सक्रिय रूप से साथ में आता है, वो है हमारे साथ में शुरू से रहा है। और दीनाभाना भंगी जी जो है, वाल्मीकि जी जो है, उस पार्टी के संस्थापक हैं, तो आप ऐसे ना कि उनकी पार्टी उनकी अपनी है जी।
सुरेश जी, एक सवाल उठता है कि विधानसभा इलेक्शन के लिए दिल्ली में क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आप दिल्ली से हैं और विधानसभा के प्रभारी भी हैं, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और कितनी सीटें, क्या क्लीन बोल्ड होंगी तीनों पार्टियां? देखो 2020 में चुनाव है, हमारा ध्यान पूरी तरह वहीं पर है और इस बार ये दावे से आप कह सकते हैं कि 2020 में जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा जरूर वाल्मीकि समाज या किसी शोषित समाज से ही बनेगा और पूरी तरह से हम लोग विधानसभा वाइज काम कर रहे हैं और जो हमारा भाईचारा जो सम्मेलन है, कमेटियां हैं, जो कार्यक्रम है वो दस्तूर जारी है, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि गरीब लोगों की पार्टी है, लोग उसमें जुड़े, अपना घर पे आए, अपने घर को संभालें और बहुजन समाज पार्टी के साथ तमाम जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो लोग सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 2 अप्रैल का जो 20 मार्च को जो वर्डिक्ट लेके आए थे इनके खिलाफ, SC ST अधिनियम के खिलाफ, हम लोगों ने पूरे बहुजन समाज ने, खासकर वाल्मीकि समाज ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुजन समाज का मान सम्मान वापस दिलवाया। तो हम तो उनके कृतज्ञ, हम सभी समाज के दूसरे कृतज्ञ हैं कि हम लोग अपने हक अधिकार के लिए खड़े हैं और अब बहुजन समाज, वाल्मीकि समाज पूरी तरह पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी के साथ है, ना कि इन मनवादी ताकतों के साथ। तो हमारे साथ सुदेश आर्या जी थे, तमाम चर्चा में आपने देखा जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो जो वाल्मीकि जाति है अगर उसको संघर्ष करना है तो BSP ज्वाइन करे, क्योंकि पार्टी स्वयं आपके पास चलकर नहीं जाएगी, पार्टी की विचारधारा को जाने, पार्टी के उद्देश्य क्या है उसको जाने और उसके बाद फिर काम करें, तब कहीं पार्टी आपको कोई ना कोई मौका जरूर देगी। और जिस तरीके सुदेश आर्या जी कह रहे हैं कि इस बार BSP वाल्मीकि मुख्यमंत्री देखना चाहती है उत्तर दिल्ली के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस जाति को समझना होगा। BSP के जो रैलियां हैं जो अभी होंगी विधानसभा के इलेक्शन को लेकर या लोकसभा के इलेक्शन को लेकर, तमाम जो रैलियां होंगी या जो मीटिंगें होंगी इनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना होगा, तभी कहीं ना कहीं आप पार्टी की नज़र में अपनी पहचान बना सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपकी आवाज़।